Good morning, dear students. So, under plastic heading, we have studied thermosetting and thermosofting. Thermosetting में हमने दो examples लिए थे, जो कि phenol formaldehyde resin और polyurethanes था. और उसके बाद thermosofting में हम लोग ने देखा polyvinyl chloride, जो कि हमने कल के class में लिया था. अभी हम लोग polythene लेते हैं. वैसे तो plastics में ये जो चारों भी examples, whatever we have taken on BSc level, only applications are important. But though, just for your extra knowledge, we are just studying about its origin, synthesis, and then we are just going to applications. So let us move. What is polythene? So polythene is a synthetic resin made from polymerization of ethylene, and it is a thermoplastic. It is a thermosofting polymer, or it is a thermoplastic polymer with a variable crystalline structure and extremely large range of application. इसमें इसके applications काफ़ी है, ठीक है. अभी जैसे कि उसमें polythene में जो मिथिलीन CH2 repeated group है, so उसको पॉलीथीन कहा जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसाइज कहाँ किया था? इट वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय द जर्मन साइंटिस्ट हांस वोन पेचमान, हु प्रिपेयर्ड इट बाय एक्सीडेंट वाइल इन्वेस्टिंग डाइजोमिथीन. डाइजोमिथीन बनाते वक्त उनको ये एक्सीडेंटली मिला. एंड पॉलीथीन इज ईजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्लास्टिक बिकॉज दे फ्लोट इन वाटर, ठीक है. तो आप लोगों को मालूम है पॉलीथीन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. देर आर लाइट वेटेड, देर आर 2 to 3, 4 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, बट जनरली दे आर लाइट वेटेड ओनली एज कम्पेयर टू अदर पॉलीमर्स. नाउ पॉलीथीन इज क्रिएटेड थ्रू पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, एंड उसका मोनोमर, रिपीटेड मोनोमर विच गिव्स यू पॉलीमर इज नथिंग बट कॉल्ड एज पॉली इथिलीन. Now this is the structure of cross-linked polymer, polyethylene. ये इस प्रकार उसके structure दिखता है cross-link का. Different types of polyethylene. So पहले ही कहा था polythene, polyethylene is of 3 to 4 types. First is low density polythene. अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है LDPE. तो आप लोगों को जो अगर MCQs में या आप लोगों को कोई एंट्रेंस एग्जाम में है, तो आप लोगों को पूरा वर्ड लो डेंसिटी पॉलीथीलिन नहीं दिया जाएगा, आपको शॉर्ट फॉर्म्स. तो यू हैव टू रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म्स लाइक LDPE, देन व्हाट इज HDPE, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीलिन, देन व्हाट इज LLDPE, दैट इज अ लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीलिन, देन अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीलिन, दैट इज UHMW. इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री. सो इन दिस टाइप्स ऑफ पॉलीथीलिन आर अवेलेबल. लेट अस सी फर्दर. नाउ वी विल सी लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है. फर्स्ट पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले इसको पाया गया है. एज द नेम इम्प्लाइड, इट हैज़ लोअर डेंसिटी कंपेयर टू हाई डेंसिटी, यानी ये लाइट वेटेड होता है. LDPE हैज़ मोर ब्रांचिंग, हैंस द मॉलिक्यूल आर लेस टाइटली पैक्ड एंड लेस क्रिस्टलाइन ड्यू टू साइड ब्रांचेस. LDPE हैज मोर ब्रांचिंग, हैंस द मॉलिक्यूल्स आर लेसली टाइटली पैक्ड, यानी वो ब्रांचिंग काफ़ी है और उसमें लीनियरली ज़्यादा है और टाइटली पैक नहीं है, दैट इज़ लूज, एंड दैट्स वाई वो क्रिस्टलिनिटी जो है ब्रिटलनेस वो ज़्यादा इस पॉलीथीन में नहीं मिलता है. LDPE इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज इन कंज्यूमर पैकिंग बैग्स, बॉटल्स, लीनियर्स एक्सेट्रा, लाइनर्स. अभी इसमें हम लोग आपको ये स्लाइड में तो पूरा समझ में ही आ रहा है कि LDPE जो है उसका ब्रांचिंग वीकर है, ठीक है. ब्रांचिंग इज नॉट टाइटली, एंड उसका जो है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी जल्दी अगर इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग प्रेशर जल्दी टूट जाता. हाईली डक्टिलिटी, डजंट ब्रेक ईजीली, then molecules are less tightly packed, cheapest and easiest to make. ठीक है, तो
एक तो बहुत ही कम रेट में और इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। ब्रांचिंग उसकी वीकर है और वो जल्दी से, अगर हमने उसको मीन्स इट्स ब्रांचिंग इज वीकर। सो अगर सपोज आपको मालूम है पॉलीथीन बैग्स वगैरह हमने, इफ़ यू आर टेकिंग एंड वी आर ट्राइंग टू मोल्ड इट, तो उसको जल्दी डिफॉर्म कर सकते हैं, जल्दी उसका शेप चेंज करते हैं, ठीक है। हालांकि उसके ब्रेकिंग जो है वो उतना इजी नहीं है, यू हैव टू अप्लाई टू मच ऑफ प्रेशर। ओके, पॉलीथीन्स का, पॉलीथीन बैग्स फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स आर लेसली टाइटली पैक्ड एंड चिपेस्ट एंड इजिएस्ट टू मेक। फॉर एग्जाम्पल्स वॉश बॉटल्स, देन ड्राई क्लीनिंग बैग्स एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज पॉलीथीन मेड अप फ्रॉम पेट्रोलियम। इट इज समटाइम कॉल्ड एज अल्केथीन और पॉलीथीन व्हेन यूज्ड फॉर पाइप्स। हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स हैज लिटिल ब्रांचिंग, गिव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। एलडीपी से थोड़ा सा मॉडिफाइड है एचडीपी, एंड इट इज ऑल्सो हार्डर एंड मोर ऑपेक एंड कैन विस्टैंड हायर टेम्परेचर। थोड़ा सा ज़्यादा ब्रिटल है एंड मोर ऑपेक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो जल्दी डिफॉर्म नहीं हो सकता है, जल्दी उसको हम दूसरे शेप में नहीं ला सकते हैं। अभी जहाँ पे ब्रिटलनेस है, जहाँ पे हार्डर ज़्यादा है, जहाँ व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी द व्हेन द थिंग्स बिकम हार्डर, इट कैन बी इजिली ब्रेकेबल, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव टू मेक, थोड़ा सा इसको बनाने में मुश्किल है, लाइक सैंडविच बैग्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट बॉटल्स, ग्रॉसरी बैग्स एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स है। नाउ लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन। लीनियर लो इज मोस्ट फ्लैक्सिबल टाइप ऑफ पॉलीथीन। इट इज ब्लेंडेड फ्रॉम एलडीपी वेयर द फिल्म्स हैज मच मोर फ्लैक्सिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मोर कंफर्टेबिलिटी। एलएलडीपी इज यूज फॉर फिल्म्स दैट नीड्स अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू अब्सॉर्ब इम्पैक्ट्स विदाउट टियरिंग और पंक्चरिंग। फिल्म्स बनाने की में यूज होता है एलएलडीपी, जो हम लोग मूवीज में वगैरह फिल्म्स देखते हैं, या वो स्लीट्स रहते हैं ना, जैसे कवर्स, उसको एलएलडीपी से बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। अल्ट्रा मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन, अल्सो नोन एज हाई मॉड्यूलस पॉलीथीन। इट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक। इट हैज एक्सट्रीमली लॉन्ग चेंज फिजिशियल इन वेरी हाई टफ मटेरियल। अब ये देखिए, एंड स्ट्रेंथ ऑफ एनी थर्मो प्लास्टिक प्रेजेंट बाय। सो अब अगर देखे एलडीपी, एचडीपी और एलएलडीपी से भी सबसे ज्यादा टफर हार्डर पॉलीथीन है ये अल्ट्रा मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन, ठीक है। सो वेरी पैक्ड, टफ मटेरियल, इजीली इजी ब्रेक होता है एंड लीनियर, एक्सट्रीमली लॉन्ग चेन्स रहते हैं। आप अगर देखते होंगे इसमें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन। हाइएस्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल हिप्स, नीज। देखो इसमें यूज होता है, जो हम लोगों के देखते हैं ना पैर बनाने, प्लास्टिक के पैर वगैरह बनाते हैं, तो ये मटेरियल उसमें यूज होता है। स्केटिंग रिंग्स, जो आइस बर्ग्स में हम लोग स्केटिंग रिंग्स देखते हैं, तो ये मटेरियल का बनता है। सो हियर इज द स्कीमैटिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ओके, इन दिस वे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रांच्ड है, लूजली टाइट है, यहाँ पे थोड़ा कम ब्रांचिंग है, थोड़ा हार्डेस्ट है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल है ब्रेक होना। ये टफेस्ट, इट इज हार्डर एंड इट ब्रेक्स इजीली। ओके, सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉली इथिलीन। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉली इथिलीन कैन बी डिवाइडेड इंटू मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल यानी क्या होगा ये आपको मालूम है, रिलेटेड टू अवर आईज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लो स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड रिजिडिटी बट हैज हाई डक्टिलिटी एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एज वेल एज लो फ्रिक्शन. इट शोज स्ट्रॉन्ग क्रीप अंडर परसिस्टेंट फोर्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे लो स्ट्रेंथ है उसकी, हार्डनेस एंड रिजिडिटी बट हैज हाई डक्टिलिटी एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्शन जो है वो कम है. थर्मल प्रॉपर्टीज, अ कॉमन कमर्शियल ग्रेड ऑफ मीडियम एंड हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल. द मेल्टिंग पॉइंट इज टिपिकली इन रेंज ऑफ 120 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतने रेंज में है. केमिकल प्रॉपर्टीज, पॉलीइथिलीन कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर सैचुरेटेड हाई मॉलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स. दे हैव लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, कैन ब्रिटल व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट. कार्बन ब्लैक इज यूजुअली यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर, उसमें बनाने में कार्बन स्टेबलाइजर यूज होता है. रीजिस्ट एसिड बेसिस ईस्टर्स अल्कोहल्स, यानी अगर उसके ऊपर ये सब चीज़ों की कोई रिएक्शन नहीं होती एंड डज नॉट रिएक्ट इन रूम टेम्परेचर. ठीक है, उसको हीट ही करना पड़ता है. प्रॉपर्टीज ऑफ पॉली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, पॉलीइथिलीन इज ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. इट ऑफर्स गुड ट्रैकिंग रेजिस्टेंस, it is a good electrical insulator and it offers good tracking resistance. Optical polyethylene can vary between almost clear milky opaque or opaque. Opaque yani transparency. Okay, optical properties, optical yani transparency, mean related to eyes only. How you see that polymer, if you see PVC, then you can see it's a very tough material, okay, and very dense material. But when we talk about polyethylene, it's not a dense and it is opaque and transparency is very clear transparent. Applications yahan pe dikh rahe hain humko polyethylene ke, bottles dikh rahe hain, pipes dikh rahe hain. So bowls, buckets, squeezable bottles, ketchup containers, cable jacketing applications se ye. यहाँ भी आप लोग देख रहे हो प्लास्टिक्स क्रिएट डस्टबिन्स, ड्रम्स, डिटर्जेंट बॉटल्स, वाटर पाइप्स. ये थोड़े से लो डेंसिटी पॉलीमर से ज़्यादा लाइक लीनियर या SDPE से बने वाले पॉलीथीन से बनाए गए हैं. नाउ LLDP फूड एंड नॉन फूड पैकेजिंग एक्सट्रूशन कोटिंग अप्लीकेशन. गार्डन प्रोडक्ट्स, किचन एसेसरीज, लकेज एंड फर्नीचर, जो रिक्रिएशनल प्रोडक्ट जो हम लोग ऐसे लैमिनेट नहीं करते क्या, वो LLDPE है, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन. नाउ अगर उसका एग्जांपल देखें हम अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट, vehicular armor joint and ligament reconstruction as I, the examples of this shows you where it is used. Now these are some slides of polythene, low density polythene है, जो plastic है, जो हल्के material का है वो LDPE है. उसके बाद जो अपने ये जो sanitizer bottles है, dustbin है, ये वो सब high density polythene के है. और अल्ट्रा वायमेंस जैकेट्स, लिगामेंट्स एंड गियर्स के लिए यूज़ करते हैं. सो हियर वी कंक्लूड वेयर फ्रॉम वी हैव जस्ट सीन द ओरिजिनल पॉलीथीन, देन हाउ द पॉलीथीन इथिलीन से पॉलीथीन बना. ठीक है, फिर कितने टाइप्स के, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, पॉलीथीलिन कितने टाइप्स के हैं, तो LDPE, HDPE है, LLDPE है, फिर अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीलिन है, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ हमने देखे कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल, उसके एप्लीकेशन तो काफ़ी इजी है, तो यू कैन राइट बाय योर ओन. सो दिस इज़ द मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ पॉलीमर which comes under that is heading plastic, और प्लास्टिक में भी वो थर्मो सॉफ्टनिंग में आता है.
So here we conclude the application part of polyethylene under the heading plastic and thermo softening. So thank you students, listen it carefully and write the applications, because in your examination for BSc SEM 5 this polyethylene applications are very important rather than the synthesis and origin. It's just for your extra knowledge. I have just shared the slides. Thank you so much.